Hi, this is Kinshuk Mahajan here and you're watching me on Times of India TV. Show है वहाँ से भी बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा मनोज कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो जब मैंने मनोज का ग्राफ सुना तो मेरे को लगा कि यार ये कैरेक्टर एक एक्टर के लिए प्ले करने के लिए कमाल का कैरेक्टर है, मुझे करना चाहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं सबसे चैलेंजिंग ये है क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड नेगेटिव है, मतलब इन द सेंस ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, जो किसी भी हद तक जा सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये हमारी इंडस्ट्री का शुरू से नॉर्म है कि चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो लेकिन उसको बस फर्क इतना रह जाता है कि हम लोगों को ये वर्ड ऑडिशन नहीं बोलते, लुक टेस्ट बोल देते हैं कि हम लुक में देखना चाहते हैं कि कैसा है, जो कि फेयर इनफ मतलब होता ना, वो लोग आपको अगर कास्ट कर रहे हैं वो तो उनका पूरा हक है देखने का कि आप कैसे इस कैरेक्टर को कंसीव करते हो। तो आई थिंक सो दे आर नॉट रॉन्ग एंड आई डोंट माइंड ऑल्सो गिविंग लुक टेस्ट। और रही बात रेलेवेंस की, तो रेलेवेंस के लिए यार मैंने कभी मेहनत नहीं करी, मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब होता ना कि कैसे मुझे आई हैव टू कैरी माई सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली आई वेंट विद द फ्लो, जैसे जैसे हुआ गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी कि मेरे को काम मिला और मतलब होता ना कि शोज वर्क कर गए, तो मेरी तरफ से मैंने कोई इनपुट या कोई मेहनत नहीं करी, वो ऑटोमेटिकली बस आई वॉज लाइक एन ऑनेस्ट एक्टर, मतलब मैं अपने काम से लेके ऑनेस्ट हूँ। आई वॉज प्लेइंग गौतम पंड्या जो कि बहुत पॉजिटिव, ही वॉज लाइक शो में उनको राम बोलते थे जी, वो उसके बाद अब मैं रावण प्ले कर रहा हूँ तो एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई हैड लॉट ऑफ गुड विशेज फ्रॉम देम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी, आई एम विजय तिवारी और आज मेरे साथ है द वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग किंचुक महाजन जो आ रहे हैं मेघा बरसिंगे के साथ। वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। टेल मी, न्यू शो न्यू किरदार, लोग बहुत मिस कर रहे थे पांड्या स्टोर के बाद, तो उनके लिए नया सरप्राइज। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली पांड्या स्टोर में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो गौतम पांड्या का था जो कि इस कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। मुझे पता है कि मेरे काफ़ी फैंस मेरे नेक्स्ट शो में कौन सा करूंगा उसके लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं नेक्स्ट शो जो करूंगा वो नेगेटिव करूंगा, तो ये सरप्राइज मेरे फैंस के लिए है। आई होप उनको मैं पसंद आऊँ नेगेटिव किरदार में। तो आपने ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि यू नो इतने पॉपुलर कैरेक्टर के बाद पॉपुलर शो के बाद कुछ ऐसा करूं जो मैं अपने फैंस को एटलीस्ट सरप्राइज करूं, एंड एज एन एक्टर भी थोड़ा चैलेंजिंग? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे लिए ये डिसीजन ऑलरेडी था नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि आपका शो ऐसा आना चाहिए। आई वॉज तो लुकिंग फॉर वर्क, मतलब होता ना कि कोई अच्छा कोई किरदार मिले, अच्छा स्टोरी मिले, अच्छा चैनल मिले, उसके लिए वेट कर रहा था मैं। लेकिन जब ऑटोमेटिकली ये शो आया और मैंने मनोज का ग्राफ सुना और मुझे मनोज शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा मनोज कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो जब मैंने मनोज का ग्राफ सुना तो मेरे को लगा कि यार ये कैरेक्टर एक एक्टर के लिए प्ले करने के लिए कमाल का कैरेक्टर है, मुझे करना चाहिए। तो आई सेड मतलब होता ना कि सर मैं करना चाहता हूँ। तो यू नो किंचुक, आप इतने सालों तक काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक यू नो चॉकलेट बॉय नेक्स्ट डोर एक्सेप्टेंस है लोगों के, यू नो संस्कारी बेटा, बहुत प्यारा दुलारा, उससे बाहर निकल के एक नेगेटिव कैरेक्टर चैलेंजिंग तो है ही, एंड एज एन एक्टर इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि आपको इतना अच्छा किरदार करने को, बट कहीं ना कहीं डर भी होता है एज एन एक्टर की एक्सेप्टेंस होगा या नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। अच्छा। मैं ऑनेस्टली मैं डर पे फंक्शन नहीं कर पाता, अगर मेरे मन में जरा सा भी डर या जरा सा भी पैनिक या जरा सा भी कॉन्शियसनेस होती है ना तो वो काम मेरा खराब हो जाता, मैं कर नहीं पाता। तो मैंने यही सोचा है कि इस कैरेक्टर को मैं एक चैलेंज की तरह लूंगा, पास हुआ तो बढ़िया, फेल हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट अप्रोच रखूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूं, लेकिन प्रेशर नहीं लूंगा। राइट, पर कितना मजा आ रहा है आपको ये किरदार करने के लिए, क्योंकि हमेशा वो यू नो आइडल बॉय आइडल मेरे को बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं सबसे चैलेंजिंग ये है क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड नेगेटिव है, मतलब इन द सेंस ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, जो किसी भी हद तक जा सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग और इसमें बहुत ही स्कोप नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये लोग करवा भी रहे हैं तो आई एम एंजॉयिंग इट। अब आपने कभी भी प्रोड्यूसर्स को पूछा नहीं कि यू नो अचानक से मैं नजर में क्यों आया? नहीं, वो या दे वर लुकिंग फॉर एन अनकन्वेंशनल फेस। दे जब इस शो का मैंने मुझे स्क्रिप्ट आई ना तो मैंने ऑडिशन बनाया ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं
जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि यार ये लोग कॉल करेंगे मुझे, मतलब अप्रोच करेंगे शो के लिए एटलीस्ट, मतलब होता ना क्योंकि मेरा ऑडिशन भी अच्छा बना था, ठीक है. और एक चीज होती है कि कभी कभार आप जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो अगर आपको धोखा देना तो ज्यादा हर्ट होता है. तो इनको ये लोग दे वर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव फेस, मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ फेस जो कि ऑडियंस के लिए झटका मिले कि यार ये कैसे कर सकता है, क्योंकि इट इज मतलब होता ना कि किस तरीके से मतलब दिखाने का कि प्रेजेंटेशन वाइज, तो इनको नेगेटिव चाहिए ही नहीं था. नॉर्मली टेलीविजन में नेगेटिव लीड्स के लिए नेगेटिव थोड़ा सा मतलब होता ना कि वो फीचर्स ऐसे देखते हैं कि मतलब वैसा कास्टिंग होती है, बट इसमें इन लोगों को चाहिए था जो कि बहुत पॉजिटिव दिखे लेकिन अंदर से वैसा हो. So, वो एक बट टेल मी किंचुक, इतने समय इंडस्ट्री में बिताने के बाद डू यू हैव एनी काम्स व्हेन पीपल आस्क यू और मेकर्स आस्क यू टू गिव ऑडिशन? नो यार, मैं आई टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज़ क्या है ना, देयर इज लॉट ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन यू. जब तक अगर मैं भी यार, क्या होता है कि हम एज एन एक्टर भी ना, जब शो नहीं होता तो कई बार वेट गेन कर लेते हैं, ठीक है. एक ऑडिशन आती है तो हम लोगों को मतलब होता ना कि एक समझ में आता है कि कैरेक्टर क्या है, ठीक है. और प्लस उसमें कोई बुराई नहीं है ऑडिशन देने में, क्योंकि इट इज़ पार्ट एंड पार्सल. अगर मैं ऑडिशन देने में कतराऊंगा ना तो मैं अपने आप को ही वो करूंगा. और ये हमारी इंडस्ट्री का शुरू से नॉर्म है कि चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, लेकिन उसको हाँ, बस फर्क इतना रह जाता है कि हम लोगों को ये वर्ड ऑडिशन नहीं बोलते, लुक टेस्ट बोल देते हैं, कि हम लुक में देखना चाहते हैं कि कैसा है, जो कि फेयर इनफ. मतलब होता ना, वो लोग आपको अगर कास्ट कर रहे हैं वो, तो उनका पूरा हक है देखने का कि आप कैसे इस कैरेक्टर को कंसीव करते हो. तो आई थिंक सो दे आर नॉट रॉन्ग एंड आई डोंट माइंड आल्सो गिविंग लुक टेस्ट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सुना है स्टोरीज के एक्टर्स को थोड़ा सा यू नो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम थोड़ा सा ईगो आ जाता है कुछ ऐसा. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लोग भी गलत नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी उम्र दे दी है एक्टिंग को, और उसके बाद भी उनको बोला जाता है कि मतलब होता ना कि सर हमारे को आपका ऑडिशन लेके भेज दो, दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट ये लोग भी गलत नहीं है. तो वो वन टू इट्स ओन होता है. मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होती ऑडिशन देने में, बट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि किसी किसी को यह हो सकता है कि एक एज के बाद मुझे भी ऐसा लगे कि यार मैं इतना काम कर चुका हूँ क्या बार बार ऑडिशन मांग रहे हो, लेकिन पर्सनली अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैंने ये बोला था कि इस कैरेक्टर के लिए मैं 10 किलो लूज करने की जर्नी पे हूँ. मतलब होता ना, मैंने जैसे डाइटिशियन रखी और प्लस क्या कहते हैं, मैं आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो बीच बीच में जाके. उसमें गलती से इंटरव्यू में छप गया कि मैंने आई ऑलरेडी लॉस्ट. ओके, हां, तो आई वांट टू क्लियर दैट आई एम ऑन द जर्नी ऑफ लूजिंग इट. बट जैसे बिकॉज क्या था ना, पंड्या शोर में ये सबसे बड़ा भाई था गौतम, तो गले पे बैठा हुआ, तो वो एज दिखनी थी क्योंकि तीन छोटे भाई थे. तो उसके लिए मैंने वेट गेन किया था. जैसे शुरू शुरू में पंड्या शोर में मैं कितना पतला होता था, लेकिन आफ्टर लीप मैंने वेट गेन कर लिया था और मुझे मजा भी आ रहा था गेन करने में, क्योंकि आपको खाने को बहुत मिलता है. तो वो मेरा रुक नहीं पा रहा था. जैसे शो खत्म हुआ तो उसके बाद भी मेरी एपेटाइट बढ़ चुकी थी. मतलब होता ना कि भूख मेरे को ज्यादा लगती थी. तो जब ये शो मिला तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा ओवरवेट था. तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं आई हैव टू लूज वेट फॉर मनोज कैरेक्टर, क्योंकि वो नहीं चल सकता. तो मैंने अब आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन. कितने किलोज लूज? मैंने मैम एक महीने के अंदर 4 किलो लूज किए हैं. नहीं कर वो होता. आई एम ऑन अ मोनो डाइट जिसमें मेरे को प्रोटीन्स ही लेने हैं, और जो प्रोटीन्स से कार्ब मिलेंगे वो चलेगा, लेकिन मेरी फ्लेक्सिबल डाइट है. मतलब होता ना, टारगेट ऐसा है कि हंसते खेलते एक हफ्ते में 1 kg कम हो जाए. Also, you know, Kinchu, जैसे मैंने बोला कि आप काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हैं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ रेलिवेंट? क्योंकि यू नो इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद यू हैव टू कीप अप विद द टाइम. आपने वो टाइम भी देखा है जब से फ़ोन कॉल्स का ज़माना था, वहाँ से यू नो ऑडियंस का रिएक्शन पता चलता था, चैनल से आपको रिएक्शन पता चलता था. आज ये कि इंस्टेंटली आपको इंस्टाग्राम से पता चल जाता है कि आपका शो हिट है या नहीं है, यू नो. तो इतने सालों में आपने हाउ हैव यू, एक क्वेश्चन तो ये होगा, द चेंजेस दैट यू हैव सीन एंड
also how have you kept yourself relevant over the years? Yaar, changes to I've seen a lot. Matlab hota na, in terms of approach, in terms of taking, in terms of आजकल पहले क्या होता था कि जो ट्रैक चल रहा होता था ना तो उसको लंबा चलाते थे और मतलब होता ना उसको खींचते थे कि शो दो तीन साल चलना है तो क्यों हम स्टोरी एग्जॉस्ट करें. लेकिन आजकल वैसा नहीं रह गया. आजकल सब चीज़ क्विक होती है. मतलब होता ना जो पहले हम लोग करते थे जो 3 महीने की स्टोरी वो आजकल 10 से 15 दिन की स्टोरी होती है. अटेंशन स्पैन कम हो गया. हाँ, आप हमारा शो भी ये देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मेगा की जर्नी अभी तो स्टार्ट हुई थी और अभी तक उसकी फटाफट मतलब होता ना 10वें एपिसोड में तो क्या कहते हैं शादी हो गई और मतलब होता ना मैं छोड़ के निकल गया. अच्छा, तो हाँ. हर चीज बहुत फास्ट पेस है जो कि ये एक डिफरेंस है पुराने और अभी के शोज में. और रही बात रेलेवेंस की, तो रेलेवेंस के लिए यार मैंने कभी मेहनत नहीं करी. मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब होता ना कि कैसे मुझे आई हैव टू कैरी माय सेल्फ. वो ऑटोमेटिकली आई वेंट विद द फ्लो. जैसे जैसे हुआ गॉड हैज बीन काइंड टू मी कि मेरे को काम मिला और मतलब होता ना कि शोज वर्क कर गए. तो मेरी तरफ से मैंने कोई इनपुट या कोई मेहनत नहीं करी. वो ऑटोमेटिकली बस आई वाज लाइक एन ऑनेस्ट एक्टर. मतलब मैं अपने काम से लेके ऑनेस्ट हूँ और आई बिलीव इन लव. तो मतलब एंड आई बिलीव कि दिन बाय दिन देखो, सीन बाय सीन देखो, बाकी जो होएगा वो भगवान की दया. फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो. जी जी. एंड व्हाट वाज योर पांड्या स्टोर फैमिलीज रिएक्शन? आप लोग इतने यू नो एक साथ इतने हमेशा से रह रहे हैं एंड कवर का भी जो शो है इट इज डूइंग ब्रिलियंट. क्या कहोगे आप? जिसको भी मैंने बोला मतलब होता ना कि मैंने शो स्टार्ट किया है तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड. वेरी बिकॉज सब आई वाज प्लेइंग गौतम पांड्या जो कि बहुत पॉजिटिव. ही वाज लाइक शो में उनको राम बोलते थे. जी बिल्कुल. वो उसके बाद अब मैं रावण प्ले कर रहा हूँ तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई हैड लॉट ऑफ गुड विशेस फ्रॉम देम. तो मुझे वो हुआ मतलब इन सेंस सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैंने अपने as an actor एक नई चीज ट्राई कर रहा हूं आउट ऑफ कंफर्ट जोन. एंड व्हाट डू हैव टू से अबाउट कन्वर्स शो बिकॉज़ दैट इज डूइंग ब्रिलियंट. और मतलब उन्होंने भी एक शुरुआत की आफ्टर पांड्या स्टोर इज गेटिंग लॉट्स ऑफ. नहीं, कवर इज अ वंडरफुल एक्टर. मतलब वो ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे एक्टिंग उसकी कवर की बहुत अच्छी लगती है. वो पांड्या स्टोर में भी अच्छी लगती थी और जो अभी वो शो कर रहा है सचिन बना हुआ है उसमें भी अच्छी लगती है. तो कवर इज अ फैबुलस एक्टर. मतलब होता ना देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और सोने में सुहागा उसका शो चल भी गया. तो दैट इज कमेंडेबल. और मतलब होता ना आई विश हिम ऑल द लक. मतलब होता ना कि भगवान करे उसका शो चलता रहे. जी बिल्कुल. जैसे हम अभी शूट के ये स्टार्ट होने के पहले बात कर रहे थे, हाउ डू यू मैनेज नाउ योर लाइफ बिकॉज ये सेट इतना दूर है, ट्रैवलिंग एंड गिविंग लाइफ टू फैमिली. देखिए क्या होता है ना, एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि जब आप घर पे बैठे हो तो फिर घर पे बैठे हो और जब आप काम कर रहे हो तो फिर आप काम कर रहे हो. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली फॉर इट. मतलब होता है ना आप कहीं पे बीच में नहीं लटक सकते. जब आपके पास फैमिली टाइम होएगा तो आपके पास कंप्लीट फैमिली टाइम होएगा. तो उस टाइम पे घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम करो. जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको बैलेंस करना पड़ता है. तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज लाइक बीच बीच में जैसे मैं कभी कभार छुट्टी ले लेता हूँ. ठीक है, सैटरडे संडेज को मेरे बच्चों का स्कूल नहीं होता तो मैं सैटरडे संडेज को एक दिन छुट्टी ले लेता हूँ. ठीक है, या घर पे जाने के बाद आई कम्प्लीटली स्पेंड टाइम विद देम. जैसे अभी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है जब बिकॉज क्या है कि हमारा सेट बहुत दूर है. तो जब तक पहुँचता हूँ तब तक बच्चे सो चुके होते हैं. लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो करना है बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते ना. यू आर फादर एंड यू हैव टू पे ऑल द बिल्स. सो अगर आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस तो यू हैव टू या बट उसके साथ आपकी फैमिली भी सपोर्टिव बहुत होनी चाहिए. ऑब्वियसली या आई एम श्योर योर द क्रेडिट गोस टू योर वाइफ आल्सो बिकॉज़ शी मैनेजेस. या मतलब शी हैज बीन रियली वेरी सपोर्टिंग एंड प्लस वो समझती है. और वो बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे मैं डाइट पे हूं. ठीक है, तो अगर मेरा 9 बजे का कॉल टाइम है तो 6 बजे वो उठती है और मेट्स के साथ मिलके खाना बनवाती है कि पूरे दिन का, क्योंकि मेरी डाइट चल रही है उस हिसाब से हर 2-2 घंटे में मुझे खाना पड़ता है. तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव ना होना तो आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हो. और अगर आपको सपोर्टिव फैमिली मिल जाए ना तो आपके लिए जो प्रेशर होता है, जो रोजमर्रा की चीज होती है शूटिंग भी, वो केक वॉक हो जाता है. एनी मैसेज टू द फैंस हु विल बी वाचिंग यू इन अ डिफरेंटली अवतार? आई विल जस्ट से बॉस, शो अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, मेरा किरदार अच्छा है, सबका किरदार अच्छा है. शो सोशल कॉज के साथ है लेकिन एंटरटेनिंग भी है.
आप लोग शो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जस्ट देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शो के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट हो, तो प्लीज़ वॉच इट, इट्स अ गुड शो। थैंक यू सो मच किंशुक फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच।